हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। ईयर वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम राजस्थान यूनिवर्सिटी कैलकुलस बीएससी फर्स्ट ईयर का सॉल्व करते हैं। जो कैलकुलस का पेपर है, 2014 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने पहला क्वेश्चन था अपने पास, निम्न श्रेणी के लिए अभिसरण यानी कन्वर्जेंस की जाँच कीजिए कि ये श्रेणी कन्वर्जेंस है या नहीं। अब ये जाँच करने के लिए हम करते हैं अपने पास पहली सीरीज, अपने पास 1/2 + √2/5 + √3/8 + ……. चलता हुआ जो एनवा पद है वो अपने पास दिया हुआ है √n/(3n-1)। अभी हमारे पास ये श्रेणी दी हुई है, माना दी हुई श्रेणी यू एन है। तब यू एन बराबर अपने पास क्या है, √n/(3n-1)। मतलब समेशन ऑफ यू एन था, ये एन बराबर 1 to n चल रहा था, तो यू एन बराबर अपने पास है एनवा पद अपने पास √n/(3n-1)। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर एन इसमें से कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं n(3 − √n)। ऊपर रूट एन है ही, और इसको लिख सकते हैं 1/√n(3 − 1/n)। अब हम सॉल्व करते हैं इसे रिलेटिव सीरीज मान के। कोई रिलेटिव सीरीज मान लेते हैं, तुलनात्मक परीक्षण कहते हैं जिसको हम। उसके लिए तुलनात्मक परीक्षण के लिए हमने वी एन मान लिया 1/√n। तो अपनी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन बराबर क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n(3 − 1/n) जो कि यू एन है, 1/√n जो कि वी एन है। तो 1/√n से 1/√n चला जाएगा, इससे ये अपने पास बच गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 3 − 1/n। अगर अब हम एन टेंस टू इन्फिनिटी यूज करते हैं तो 1/n 0 हो जाता है, ये हो जाता है 1/3, इक्वल नॉट 0। सो अभी जब इक्वल नॉट 0 है तो इस कंडीशन में अपने पास यू एन एंड वी एन आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टूगेदर, एक साथ, मतलब या तो एक साथ ही अभिसारी होंगे या अपसारी होंगे। अब ये देखना है। अब हम इसके लिए हम किसी एक चीज़ को चेक कर लेते हैं। हमारे पास यू एन से हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हम वी एन ले लें तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से हम करते हैं। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट क्या कहता है, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट कहता है अपने पास अगर वी एन कोई सीरीज है 1/(n)P, और अगर P > 1 है तो ये कन्वर्जेंट है, P < 1 है तो डाइवर्जेंट है। ये अपने पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहती है। तो वी एन बराबर क्या है, 1/(n)(1/2) जो कि 1P बराबर क्या है यहाँ पे, 1/(2)(1), इसलिए डाइवर्जेंट हो गया यानी कि अपसारी हो गए, कन्वर्जेंट नहीं है। सो यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, क्योंकि वी एन डाइवर्जेंट है तो इसके अकॉर्डिंग यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। तो अपने पास यू एन डाइवर्जेंट आ गया। अब इसके बाद हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, यही क्वेश्चन का बी पार्ट है, x² / 2² √(√2) + x³³³² + 4³⁴ + x²³+(√4) चलता हुआ जा रहा है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ जो सीरीज दी हुई है अपने पास उसको लिख लिया हमने। सीरीज दी अपने पास x² + 2² √2² · x²³√2 · 2³√3। इस तरह से थी अपने पास। सो यू एन इज द सीरीज, ये अपने पास यू एन अपने पास इस तरह इस फॉर्म में सीरीज मान ली, जहाँ यू एन क्या है अपने पास इसका एन वा पद। एन वा पद क्या आएगा, n^(n)(x)^(n)/(n)। तो यू एन प्लस वन अगला पद आएगा n+1 × (n+1)(x)^(n+1)/(n+1)। ये आएगा। अब हमने इसमें un/un+1 वाला फॉर्म लगा दिया, तो un + un+1 बराबर क्या आता है, n^(n)(x)^(n)/(n) डॉट। अब जो अपने पास ये un+1 है ये नीचे आएगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाते हैं तो हो जाता है n^(n+1)/(n+1)/(n+1)। जिसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है अपने पास n^(n+1)(n)·1)x। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करते हैं, तो इस कंडीशन में अपने पास ये आ जाता है 1/(1)+, ये सॉरी ये आ जाता है ये n^(1)+(n)·1)x। अब हमें इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो अपने पास वो था अपने पास था n^(n+1)। इसको लिख सकते थे हम 1/(1)+(1)n।
क्योंकि हमने दोनों तरफ से एन को मन लेके काट दिया है, यही क्या हमने यहाँ पे ये आ गया वन लिमिट, क्योंकि लिमिट अपने पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन हो तो ई आता है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन जो कि आ गया वन अपॉन ई एक्स, क्योंकि अपने पास ये आया था ना ये, तो यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये लिमिट नीचे जाएगी, लिमिट ये आ जाएगी वन अपॉन वन ई डॉट इसके ऊपर ई आ जाएगा, तो ये वन अपॉन और एक्स का जो मल्टीप्लाई हो ही रहा था साथ में ये हो गया। अब कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर जो ये अपने पास ई एक्स है ना ये लेस देन वन हो तो कन्वर्जेंट होगी, यानी कि एक्स लेस देन वन अपॉन ई, और डाइवर्जेंट होगी या अपसारी होगी यदि ई एक्स इज ग्रेटर देन वन, यानी कि एक्स ग्रेटर देन वन अपॉन हो, और अगर एक्स बराबर वन बाई ई है देन टेस्ट फेल हो जाएगा अपने पास, जो अपने टेस्ट लिया था ये एक्स बराबर वन बाई ई पे टेस्ट फेल हो रहा है। अब हम एक्स बराबर वन अपॉन ई के लिए चेक करते हैं, नाउ एन अप एन डॉट लॉगरिथम टेस्ट होता है उससे चेक करते हैं, एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन बराबर आ जाता है एन लॉग वन वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन डॉट ई, क्योंकि एक्स की जगह क्या है अपने पास ई है इस बार ये लिख दिया, तो ये एन लॉग वन अपॉन वन प्लस एन की पावर माइनस एन ये आ गया, ये हमने इसको ऊपर ले गया तो ये माइनस एन हो गया डॉट ई ये आ गया, तो ये आ गया अपने पास एन लॉग ई माइनस एन लॉग वन प्लस वन अपॉन एन ये आ गया। हमने लॉग को खोला है हमने, पर यहाँ पे लॉग ई की वैल्यू क्या होती है वन होती है, यहाँ पे हम वन रख देंगे उसको, और इसको लॉग वन प्लस वन अपॉन एन का हमने प्रसार किया तो याद आता है वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री एन क्यू प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा, इस तरह एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वन हो गया, माइनस 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 का मल्टीप्लाई करके प्लस वन अपॉन टू एन माइनस और इसका मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया, माइनस वन अपॉन थ्री एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलता हुआ, इस तरह वन माइनस टू माइनस वन अपॉन थ्री एन प्लस डॉट 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 चलता हुआ गया ये। अब हमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं, हमने लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन लॉग एन यू एन प्लस वन ये अप्लाई कर दिया तो वन अपॉन टू आ गए, जो कि रूट जो कि वन से छोटा है, जो लॉगरिथम टेस्ट किया कहता है अगर ये वन से छोटा है तो श्रेणी जो होगी अपनी डाइवर्जेंट होगी, तो ये वन से छोटा है तो अपने पास श्रेणी डाइवर्जेंट हो गई बाय लघुगणक परीक्षण से या लॉगरिथम टेस्ट, तो अपने पास यू एन अपसारे हो गया ये हो गया। और जो अपने पास कंक्लूजन आया वो आया अपने पास अर्थात जो सीरीज है वो यू एन एक्स लेस देन वन अपॉन ई पर तो अभिसारी यानी कन्वर्जेंट होगी एवं एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन पे डाइवर्जेंट होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू होता है सिद्ध कीजिए कि किसी पादक वक्र रो बराबर एफ आर के लिए डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर होता है, ये हमें सिद्ध करना है, तो हमने पहले आर एच एस साइड ले ली, आर एच एस क्या है अपने पास आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर, बट रो क्या होता है रो होता है आर कॉस फाई, तो हाँ फ्रेंड्स रो होता है आर साइन फाई, तो ये हमने गलती से लिख दिया है साइन फाई ये नहीं आएगा, तो ये हो गया आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन फाई, तो आर स्क्वायर कॉमन लेके रूट से बाहर आएगा तो आर आएगा, तो आर से आर कट जाएगा, उसके बाद आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर रूट में तो वो कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई का रूट लेंगे तो हम कॉस फाई आ जाएगा, इस तरह से अपने पास आ गया कॉस फाई बराबर कॉस फाई आ गया ये आ गया, और जबकि कॉस फाई बराबर हम जानते हैं डी आर अपॉन डी एस, तो अपने पास डी एस अपॉन डी आर बराबर क्या होगा इससे हमने उल्टा कर लिया, तो ये हो गया डी एस अपॉन डी आर बराबर, या फिर हम ये कर सकते हैं वन अपॉन डी आर अपॉन डी एस बराबर डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू एल एच एस, ये प्रूव हो गया अपने पास। अब अपने पास अगला क्वेश्चन था वो इस तरह का था, कोई हमारे पास वक्र का सिद्ध कीजिए कि वक्र का समीकरण कोई कर्व दी हुई है एस बराबर सी अपॉन सी डॉट ई की पावर एक्स बाई सी के लिए सी रो बराबर के सिद्ध करना सी रो बराबर होता है एस रूट एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, जो गिवन कर्व है उसकी इक्वेशन दी हुई है एस बराबर सी एक्स ई की पावर सॉरी सी ई की पावर एक्स अपॉन सी ये दी हुई है, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वन आ गया क्योंकि उधर एक्स सी ये एस सी है एस इसका अवकलन किया तो एक बार तो सी तो सॉरी सो सी जो है वो अपने पास कॉन्स्टेंट है सी डॉट ई की पावर एक्स वाई सी ये हो जाएगा एक बार, तो फिर एक्स वाई सी क्या करेंगे तो वन अपॉन सी डी एक्स अपॉन डी एस आ जाएगा, तो
ई की पावर एक्स बाई सी क्या है एस, तो वन बराबर हो गया एस बाई सी डी एक्स अपॉन डी एस। चूँकि हम पहले भी देख चुके हैं डी एक्स अपॉन डी एस बराबर क्या था कॉस फाई, तो सी एस बराबर हो गया सी सेक फाई हो गया, तो डी एस अपॉन डी फाई बराबर क्या गया अपने पास इससे सी, एक बार इसका हमने इंटीग्रेशन कर सॉरी डिफ्रेंशिएशन करते फाई के रेस्पेक्टली तो आ गया सी सेक फाई टेन फाई। तो अपने पास ये डी डी एस अपॉन डी फाई क्या था पी था, तो ये गया पी सी सेक फाई माइनस सेक सेक को क्या लिख टेन फाई साई को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस वन, तो ये आ गया रूट सेक स्क्वायर माइनस वन। तो एस बराबर ये आ गया रो बराबर एस, क्योंकि सेक फाई बराबर क्या था अपने पास ये देख सकते हैं यहाँ से सेक फाई बराबर एस अपॉन सी, तो एस अपॉन सी आएगा तो सी से सी कट जाएगा, तो ये आ गया एस अपॉन रूट एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन, जिससे होता है सी रो बराबर आ गया एस रूट एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर थ्री लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है अपने पास दिए गए वक्र का समीकरण की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है हमें, क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट है इसकी, कोई हमें अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी, कितनी अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है। फ्रेंड्स अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वो टर्म बना लेते हैं कि किसके करस्पॉन्डिंग हो सकती है, तो जो भी एक्स वाई के पद हैं वो उसका मल्टीप्लाई इधर के एक्स वाई वालों से होना चाहिए बस, जो जो कॉन्स्टेंट है उसका अलग कर देते हैं, तो ये हो जाता है अपने पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डॉट, इसका हमने एक्स प्लस टू वाई से किया एक्स प्लस टू वाई प्लस टू से अलग से किया टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम इधर ले आए तो ये हो गया नाइन प्लस सॉरी एक्स प्लस नाइन वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब हमारे पास जो अनंत स्पर्शियाँ हो सकते हैं वो तो या तो इसके करस्पॉन्डिंग हो सकते हैं एक्स प्लस वाई के या हो सकते हैं एक्स प्लस टू वाई के करस्पॉन्डिंग, इन दोनों की करस्पॉन्डिंग हो सकती हैं सॉरी इन दोनों पैरेलल हो सकती हैं, तो हमने पहले निकालते हैं एक्स प्लस टू वाई के समांतर अनंत स्पर्शी। तो एक्स प्लस टू वाई के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए हमें यहाँ करना होता है कि यहाँ पे जो वाई अपॉन एक्स इस तरह से वाई अपॉन एक्स आ जाए या एक्स अपॉन वाई आ जाए, और ये एक्स प्लस टू वाई को हमें सेम रखना है, इसको हम चेंज नहीं करना है एक्स प्लस टू वाई को। तो हमने इसका करने के लिए समीकरण एक में जो मेरे पास एक समीकरण था इसमें एक्स स्क्वायर का भाग देने पर तथा एक्स प्लस टू वाई को ऐसा ही रखने पर, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर भाग दे लिया तो ये तो हो जाएगा वन अपॉन वाई अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू वाई प्लस टू अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इधर दिया एक्स स्क्वायर भाग तो वन अपॉन एक्स प्लस नाइन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स हमारे पास क्या है एक्स प्लस टू वाई बराबर जीरो है, तो इससे क्या जाएगा अपने पास हम इससे वाई बराबर एक्स निकाल सकते हैं, तो वाई बराबर एक्स आ जाएगा माइनस वन बाई टू, ये सीमा ले ली हमने वाई बराबर एक्स की जगह हमने माइनस वन बाई टू रख दिया, तो ये हो गए वन माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू वाई वाई माइनस वाई अपॉन एक्स आ रहा है, तो वन सॉरी टू मल्टीप्लाई वन माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स टेंस टू हमने इन्फिनिटी लिया है इसमें, तो ये आ गया अपने पास इससे सॉल्व करने पर एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। अतः एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो के समांतर जो अनंत स्पर्शी होगी अपनी वो होगी एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक हमारे पास ये अनंत स्पर्शी आ गई। अब हमें दूसरी अनंत स्पर्शी निकालनी है, वो है अपने पास यहाँ पे हम यहाँ से देख सकते हैं वो एक्स प्लस वाई के समांतर आएगी, तो एक्स प्लस वाई के समांतर अनंत स्पर्शी समीकरण एक में एक्स प्लस वाई स्क्वायर को ऐसा ही रहने देने पर तथा शेष में एक्स का भाग देने पर, हमने शेष में एक्स का भाग दे दिया तो ये आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर रूट वन अपॉन टू वाई अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन नाइन वाई अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो तो हम ये लिख सकते हैं एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो तो वाई अपॉन एक्स बराबर यहाँ से लिख सकते हैं माइनस वन, ये सीमा ले लेने पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई वन माइनस टू अपॉन वाई अपॉन एक्स माइनस टू हो जाएगा माइनस, ये जीरो हो जाएगा, ये भी देख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो रहा है, और फिर इसमें माइनस वन माइनस नाइन इसमें माइनस वन जबकि यहाँ एक्स है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये आ गया इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एट, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एट, जिससे हमारे पास अनंत स्पर्शी आ जाती है एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। अतः एक्स प्लस वाई के समांतर अनंत स्पर्शी जो है वो है अपने पास एक्स प्लस वाई बराबर प्लस माइनस टू रूट टू। अब चूँकि वक्र की कोटि कितनी है अपने पास थ्री है, वक्र की कोटि देख सकते हैं हाइएस्ट घात कितनी है इसमें यहाँ पे दो और इस इधर एक तो तीन हो जाती है, तो वक्र कोटि तीन है तो हमारे पास तीन ही अनंत स्पर्शियाँ
इसलिए वक्र की तीन ही अनंत स्पर्शियाँ होंगी जो कि निम्न है। यह है अनंत स्पर्शियाँ एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो तथा एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट टू। ये हो गए मेरे पास तीन अनंत स्पर्शियाँ। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। ये अपने पास वक्र का अनुरेखण करना है। वक्र अपने पास दिया हुआ है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कोष्टक एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब वक्र का समीकरण के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो अपने जो अक्ष है उन पर कौन कौन से बिंदु काट रहा है। वक्र के समीकरण के लिए हमने देखा सबसे पहले वाई बराबर जीरो रखने पर हमारे पास आ जाता है एक्स बराबर जीरो एंड एक्स बराबर ए। इससे हमारे पास ये पता चल जाता है कि ये तो जीरो जीरो से गुजर रहा है और जीरो ए से गुजर रहा है, और हमने x बराबर जीरो रखा तो y बराबर जीरो मतलब कि मूल बिंदु से तो कन्फर्म गुजर रहा है और y के और किसी बिंदु से नहीं गुजरेगा। सो वक्र मूल बिंदु के a तथा जीरो तथा मूल बिंदु तथा a जीरो से गुजरता है, ये हो गया अपने पास। अब हमने सममिति देखी, इसकी सममिति के देखने के लिए y बराबर माइनस वाई रखने पर समीकरण के मानों कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वाई स्क्वायर हो जाता है, तो ये माइनस वाई का होल स्क्वायर भी वाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बदलता था, ये एक्सिस के सममित हो गया। अब हमें इसकी अनंत स्पर्शियाँ देखते हैं तो अनंत स्पर्शियाँ क्लियरली से देख सकते हैं क्योंकि एक्स डॉट वाई का कोई भी मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, तो इसकी अनंत स्पर्शियाँ हमारे पास नहीं होंगी। अब इसके हम बिंदु देखते हैं, बिंदु वक्र समीकरण से जो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो गया थ्री एक्स माइनस ए अपॉन टू अपॉन रूट ए एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रखने पर एक्स बराबर ए बाई थ्री। जो एक्स बराबर ए बाई थ्री ये बिंदु आया है ये या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मैक्सिमा दिखा रहा होगा मिनिमा दिखा रहा होगा, इस तरह से हमारे पास ये एक बिंदु आ गया है। अब हम इसके लिए क्षेत्र देखते हैं, क्षेत्र x लेस देन जीरो करते हैं तो x माइनस ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है अपने पास, एवं बाई स्क्वायर लेस देन जीरो तथा बाई स्क्वायर लेस देन जीरो बाई काल्पनिक हो गया, इसलिए अर्थात वक्र का कोई भी भाग एक्स बराबर जीरो या बाई के बाई ओर नहीं जाएगा, यानी इस साइड में नहीं जाएगा। अब इसने वक्र बना लिया, हमने यहाँ ये बिंदु था ए बाई थ्री, यहाँ जीरो जीरो ए जीरो, तो हमने देखा कि ए बाई थ्रू थ्री तक तो जाएगा, उसके बाद ये नीचे लाना है हमें क्योंकि यहाँ पे मिलाना ज़रूरी है, ये मिला दिया इस तरह से बना के हमने ये, और उस पर ये बना दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये बाई एक्स के इस तरह बन चुका है हमारे पास, तो ये यही जो होगा वो एक्स एच के सम्मित है, तो ये एक्स एच के सम्मित तो एक्स एच के दूसरी तरफ भी यही बनेगा, इस तरह से हमारे पास ये वक्र बन गया। अपने फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास कोई एस्ट्रॉयड दिया हुआ है एक्स एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू ए की पावर टू बाई थ्री। इसकी हमें संपूर्ण लंबाई याद करनी है, संपूर्ण लंबाई मतलब कि जो हमने एस्ट्रॉयड बना लिया ये एक्स एस्ट्रॉयड होता है इस तरह, ये और ये पूरी लंबाई याद करनी है हमें, ये लंबाई याद करनी है। अब इस लंबाई याद करने के लिए हम जानते हैं कि एस्ट्रॉयड होता है वो एक्स तथा वाई एक्स दोनों के सममित होता है, तो ये हम ये लंबाई भी याद कर लें तो उसे चार से मल्टीप्लाई कर देने पर हमारे पास वो लंबाई आ जाएगी। तो हमने दिए हुए एक्सट्रॉयड ये सॉल्व करते हैं, इसको दिए हुए एक्सट्रॉयड का समीकरण है अपने पास एक्स पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू ए की पावर टू बाई थ्री। इससे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला तो वो आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री, ये आ गया। अब इस चाप की जो संपूर्ण लंबाई होती है वो उसका फॉर्मूला होता है अपने पास जीरो टू ए रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और चार का मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है क्योंकि इसके चार पार्ट हैं, ये चार पार्ट है तो चार का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया। तो फोर जीरो टू ए प्लस रूट वन अपॉन वन प्लस वाई टू जो कि स्क्वायर के तो वन बाई थ्री का टू बाई थ्री हो गया प्लस एक्स पावर टू बाई थ्री। इसका हमने एलसीएम लेके ये हो गया एक्स पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री अपॉन वाई की पावर टू बाई थ्री, सॉरी एक्स की पावर टू बाई थ्री है, एक्स पावर टू बाई थ्री है, ये हो गया। तो ये फोर ए अपॉन वन बाई थ्री जीरो टू ये हो गया अपने पास एक्स पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री हो जाएगा अपने पास ए की पावर टू बाई थ्री, जिसको हम बाहर लेने पर ए की पावर वन बाई थ्री बार आ जाएगा, और जो एक्स पावर टू बाई थ्री का ए की पावर एक्स पावर वन बाई थ्री बार आ गया डी एक्स। इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने पर फोर अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया थ्री बाई टू ए की पावर टू बाई थ्री। हमने लिमिट अप्लाई कर दी, इसकी लिमिट अप्लाई करने पर ये तो अपने पास सिंपली सॉरी ये एक्स है, ये हो जाएगा थ्री बाई टू का इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री बाई टू का बाहर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टू तो इसे कर जाएगा टू तो सिक्स हो जाएगा सिक्स ए की पावर टू बाई थ्री वन बाई थ्री सॉरी एंड ए की पावर टू बाई थ्री माइनस जीरो अप्लाई करने पर जीरो, तो ये हो जाएगा इस तरह से इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो सिक्स ए, ये अपने पास एस्ट्रॉयड की जो पूरी लंबाई थी वो आ गई अपने पास।
अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है अपने पास आर बराबर ए प्लस ए वन प्लस कोस थीटा से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ये ज्ञात करना है। तो ये पूरा एरिया ज्ञात करना है हमें। अब एरिया जो है वो अपन देख सकते हैं, ये एक्स अक्ष के सममित है, वो होता है एस्टेरॉयड, हम जानते हैं सॉरी कार्नियोड, कार्नियोड कार्नियोड ये एक्स अक्ष के सममित होता है। तो हमने यहाँ जीरो टू पाई, ये पाई तक जाता है, तो जीरो टू पाई के लिए हमने निकाल लिया, उसमें दो का मल्टीप्लाई कर दिया, और जो रीजन होता है वो होता है वन अपॉन टू जीरो टू पाई आर स्क्वायर। तो टू का मल्टीप्लाई करने पर आर टू से टू कट गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और आर स्क्वायर जो वैल्यू रखे वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर जीरो टू पाई वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ए स्क्वायर जीरो टू पाई वन प्लस टू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा खोल दिया हमने, जो कि वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, इस फॉर्म में खोल दिया हमने डी थीटा आ गया। तो ये आ गया ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो इसका तो थीटा, इसका आ गया टू साइन थीटा, वन बाई टू का तो वन बाई टू थीटा, और साइन कोस टू थीटा का हो गया साइन टू थीटा अपॉन टू, साथ में टू के साथ मल्टीप्लाई करने पे फोर, तो ये हो गया अपने पास। अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट पाई अप्लाई करने पे साइन पाई जीरो हो जाएगा, तो साइन और साइन सॉरी साइन टू पाई भी जीरो हो जाएगा, ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, और जीरो पर भी जीरो हो जाएंगे, तो ये हो गया थीटा सॉरी पाई प्लस वन बाई टू पाई, तो ये थ्री बाई टू पाई आ गया, जीरो पे सब जीरो हो जाएंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर थ्री पाई अपॉन टू, जो कि हो गया थ्री अपॉन टू पाई ए स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करना है जीरो सो दैट जीरो टू वन इंटीग्रेशन है ये डी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का क्यूब डी वाई अपॉन डी डी वाई फिर डी एक्स इक्वल टू जीरो टू वन, वही लिमिट है अपने पास, लेकिन हमने जो क्रम है वो चेंज कर दिया डी एक्स अपॉन डी वाई। अब हमें शो करना है कि इक्वल नहीं होता, इसको शो करने के लिए हम पहले बाई एल एच एस सॉल्व करते हैं, एल एच एस सॉल्व करते हैं, तो एल एच एस को क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस टू वाई को क्या लिख सकते हैं, हमने एक बार एक्स जोड़ दिया एक बार हटा घटा दिया, तो ये हो गया टू एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस वाई, ये हो गया, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई का क्यू डी वाई और ये सॉरी हाँ डी वाई एंड डी एक्स, ये आ गया इस तरह से बाहर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा अपने पास जीरो टू वन लिमिट है जीरो टू वन टू एक्स एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस इससे ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ऑफ डी वाई और बाहर है इसके डी एक्स, ये हमें करना है। अब इसको सॉल्व कर दें, तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं वाई के रेस्पेक्टली, वाई कॉन्स्टेंट है सॉरी एक्स कॉन्स्टेंट मान के करते हैं, तो ये आता है अपने पास ये आ जाए एक्स अपॉन माइनस का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर, इसका ऊपर जाके वो इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आएगा एक्स प्लस वाई का माइनस टू अपॉन माइनस टू, तो ये टू से टू कट जाएगा माइनस बच जाएगा, इस तरह इसी तरह इसका क्या, तो ये आ जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आ गया अपने पास। सो लिमिट अप्लाई करनी है जीरो टू वन एंड डी एक्स। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट अप्लाई करने पे आ जाता है जीरो टू वन, तो यही जब अपने पास वाई बराबर वन एंड वाई बराबर जीरो लिमिट अप्लाई करनी है, वाई बराबर वन अप्लाई करने पे आ जाता है अपने पास ये अप्लाई कर दी, तो हमने आ गए माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाए प्लस जीरो अप्लाई किए, तो ये आ गया वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये माइनस ये से कट गया अपने पास, ये जीरो टू वन ये आ गया माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये आ गया अपने पास डी एक्स। इसको हमने और सॉल्व किया, तो अगर जीरो टू वन एक्स प्लस वन एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया अपने पास माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वन एक्स से एक्स गया, ये आ गया अपने पास जीरो टू वन वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर सॉरी स्क्वायर यहाँ पे ऑफ डी एक्स, ये अपने पास ये आ गया। इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो वो आ जाएगा अपने पास
माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और लिमिट है अपने पास जीरो टू वन, ये अप्लाई करने पे आ गया माइनस वन बाई टू प्लस जीरो अप्लाई करने पे वन, तो ये आ गया वन बाई टू, ये आ गया अपने पास। अब हम लेते हैं बाई आर एच एस, हम आर एच एस वाला पथ लेते हैं, तो वो अपने पास जीरो टू वन, जीरो टू वन, इसमें हमने y को एक बार ऐड कर लिया एक बार घटा दिया, तो ये हुआ x प्लस वाई माइनस टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का क्यूब ऑफ डी एक्स डी वाई, ये आ गया अपने पास। इस तरह से बस जीरो अपॉन वन ये हो गया अपने पास, जीरो वन ये इससे आ गया अपने पास वन अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू वाई अपॉन एक्स प्लस y का क्यूब डी एक्स ओवर डी वाई। अब जो हमने पहले इंटीग्रेशन किया उसी तरह हम इसका इंटीग्रेशन करने पे ये अपने पास आ जाता है जीरो टू वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जीरो टू वन डी वाई, ये लिमिट अपने पास, अब लिमिट अप्लाई कर दी तो लिमिट अप्लाई करने पे ये आ जाता है अपने पास, पहले जैसे हमने जो लिमिट अप्लाई की उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है वन अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ डी वाई, ये लिमिट अप्लाई करने पे हमने जो सॉल्यूशन किया था उसके अकॉर्डिंग किया है हमने, और उसको इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है वन अपॉन वन प्लस बाई जीरो टू वन, ये आ गए वन अपॉन टू माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो हम देख सकते हैं जो अपना एल एच एस आया था वन बाई टू और आर एच एस आया था माइनस वन बाई टू, सो एल एच एस इक्वल नॉट आर एच एस।